प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 100 से भी ज्यादा लाभार्थियों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। उज्ज्वला योजना के इन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में LPG पंचायत का आयोजन किया था और इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों से आई उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन लाभार्थियों ने बताया कि कैसे उज्ज्वला योजना से इन्हें LPG कनेक्शन मिला और इसके बाद इन महिलाओं को बेहतर जीवन स्तर मिल रहा है, जिसकी वजह से जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिए। हम बहुत खुशी से आभार मानते हैं मोदी जी का। बहुत बदलाव हो गया है मेरा। मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में, ऐसे अब उठते हैं सुबह में, उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं। मेरा टाइम मिलता है सब हम कर लेते हैं काम। उज्ज्वला गैस पहले नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था। धुआं से सांस ख़राब होता था, खाना उना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस मिला है। पहले सर हम पहले लकड़ी तोड़ने जाते थे, काफ़ी समय लग जाता था, मतलब टाइम नहीं हो पाता था। घर आते आते बच्चों को भूख भी लग जाती थी, टिफिन भी पैक नहीं हो पाते थे। अब लकड़ी नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। बट जो भी था उसमें मतलब ये उज्ज्वला की वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, मुझे बहुत खुश है। पहले तो हमको पता नहीं था, फिर बाद में आए वो लोग घर पे आके लगा कर गए और समझाया। हमको तो आता था गया चलने समझने से, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं आता था तो उनको भी सिखाया। और आप भी सभी बुजुर्ग महिलाएं भी गैस चला लेती है, हम सभी महिलाएं खूब खुश है। अब ज़रा हमना टाइम बल्ला का मिलता है, जल्दी सो जाते हैं, 12-12 एक एक बजे सोते, अब जल्दी सोते हैं सब। हमें ये कर को सब हमने सहूलत अच्छी मिली है उसमें उज्ज्वला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के साथ साथ इन महिलाओं को बताया कि सरकार की सौभाग्य योजना से जल्द हर घर को बिजली मुहैया होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी पुरजोर तरीके से बताया कि कहीं भी बेटों और बेटियों में भेदभाव ना हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता पर जोर देने की बात कही। गौरतलब है कि स्वच्छता पर बल देने से स्वस्थ भारत के निर्माण में भी मदद मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे उज्ज्वला योजना के बाद अब देश की महिलाओं को गैस के चूल्हे में खाना बनाने की वजह से अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है। अब तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से भी ज्यादा गैस के नए कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इन महिलाओं की जिंदगी में तो बदलाव आया ही है, लेकिन इस योजना से नए भारत के सपने को साकार करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।